बड़ी और अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। पंजाब के मोरिंडा में बेअदबी का मामला है, इससे जुड़ी है अहम जानकारी। बेअदबी को लेकर सिख समुदाय में रोष है। निहंग सिखों ने सड़कों पर जाम लगाया, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गुरुद्वारा कमेटी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग रखी गई है। निहंग संगठनों ने विधायक डॉक्टर चरणजीत सिंह संगठनों से मिलने पहुंचे हैं, संगठनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सरकार इस मामले में लोगों के साथ है, ऐसा चरणजीत सिंह ने कहा है। पंजाब के मोरिंडा में बेअदबी के मामले से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बेअदबी को लेकर सिख समुदाय में काफी रोष है। जो ये घटना हुई है थोड़ा लोगों बहुत मंदभागी घटना है। मारा लोगों को छात्री ते जिसने ये घटना की है वो भी अरेस्ट हो चुके हैं ते सरकार वालों वध तो वध जड़ी उन्हें सजा जड़ी है दी जाएगी ते जो इत्थे कमेटी हैगी है गुरुद्वारा वो भी कल मेरी गल हो चुकी सी कल सारे मन गए सी कमेटी जड़ी है भंग करके इलाके के संतों के हिसाब न जो नवी कमेटी है बना दी है। डॉक्टर संगत के बच्चे रोस पाया जाती गलबात की संगत संतुष्ट है की गलबात? देखो कल भी राती गल हुई है, सारी तकरीबन सारी संगत जी संतुष्ट सी चली गई सी। पहले कहता कि वध तो वध जिहड़ी सजा वो देना है जिसने ये ऐसा जुर्म किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनप्रीत चहल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनप्रीत, बेअदबी मामले को लेकर सिख समुदाय में काफी रोष है, जिसको लेकर आज चरणजीत सिंह ने भी सिखों से मुलाकात की है, इसको लेकर क्या अहम जानकारी? जी बिल्कुल, मौजूदा विधायक की तरफ से जो निहंग सिख जथेबंदी है उनके साथ बातचीत की गई है, उनको समझाने की कोशिश की गई है कि मामला दर्ज कर दिया गया है, अब जो कानून के तहत वो सारी उसको सजा दी जाएगी। लेकिन जो सिख जथेबंदियां हैं या निहंग जथेबंदियां इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही हैं मोरिंडा में, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो कानून है उसको सख्त किया जाए, धाराओं में और भी बढ़ोतरी की जाए। 295 ए मतलब लगाई गई है, 506 लगाई है, 300 लगाई गई है, लेकिन उनका कहना है कि और भी ज्यादा सख्त धाराएं लगाई जाए ताकि ऐसी जो ये जो घटनाक्रम हुआ दोबारा से ना हो पाए। वहीं मंत्री, अगर बात करें तो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं पूरी तरह से आश्वासन दिया गया है कि इस मामले पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से बिल्कुल ये पूर्ण तौर से कहा गया है कि इस मामले के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस द्वारा दोषी को पकड़ भी लिया गया, आज उसको माननीय कोर्ट में पेश भी किया जाएगा और पुलिस द्वारा उसके रिमांड की मांग भी की जाएगी कि जिससे पता चल सके उसने इस जिन्होंने हरकत को क्यों घटनाक्रम को क्यों अंजाम दिया। वहीं मंत्री, अगर बात करें अगर उनकी मांगे ना पूरी हुई तो कहीं ना कहीं जो सिख समुदाय में रोष देखने को मिल रहा है, इसके बाद ये आंदोलन या ये मामला क्या मोड़ ले सकता है? देखिए फिलहाल रोष का अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से लगातार निहंग जथेबंदियों की तरफ से यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है मोरिंडा में, मोरिंडा के जेल तक उनकी तरफ से जाम लगा रखा है और कह सकते हैं कि बीती रात से ही उनकी तरफ से यहाँ पे जाम लगा रखा है। प्रशासन के द्वारा भी उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, कमेटियों से लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, जिस वक्त हम आपको इस खबर के लिए अपडेट दे रहे हैं। और इस वक्त भी प्रशासन का एक SP, 2 DSP आला अधिकारी इस वक्त जो जथेबंदी हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट किया आप द्वारा जो किया जा रहा है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन निहंग जथेबंदियों का कहना है कि जो गुरुद्वारा साहब की कमेटी है जो संचालन करती है उसके ऊपर भी मामला दर्ज होना चाहिए। वही मंत्री, जिस तरीके से गुरुद्वारा कमेटी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है, हम चाहेंगे कि आप एक बार पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी बिल्कुल, ये मोरिंडा की घटना है जहाँ पे गुरुद्वारा कोतवाली साहब में बेअदबी की घटना सामने आई थी। सिख जथेबंदी का कहना है कि जो वहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम होता है वो जो गुरुद्वारा कमेटी है उसके पास होता है, लेकिन उनके द्वारा पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, इसके कारण ही ये
है, घटना घटित है। इस बाबत उन्होंने कहा है कि गुरुद्वारा कमेटी भी पूरी इसमें दोष उनके ऊपर भी डाला जा रहा है कि वो भी पूरे दोषी हैं, इस बाबत उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मनप्रीत चहल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां गुरुद्वारा कमेटी के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिखों ने मांग की है, वहीं आपको बता दें कि निहंग संगठनों से मिलने आज विधायक डॉक्टर चरणजीत सिंह पहुंचे, वहीं उन्होंने संगठनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बेअदबी मामले को लेकर चरणजीत सिंह ने कहा कि वो लोगों के साथ हैं, साथ ही मामले में कार्रवाई को लेकर आश्वासन दिया है। मोरिंडा में बेअदबी के मामले को लेकर ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बेअदबी को लेकर सिख समुदाय में काफी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं अब निहंग सिखों ने सड़कों पर जाम लगा दिया है। इलाके दे संतां दे हिसाब नाल जिहड़ी नवीं गलबात कर रहे सीएम साहब जो भी होएगा वध तो वध सीएम साहब ने पहले ही कहता कि वध तो वध जी सजा वो जो है जिसने ये ऐसा जुर्म किया। जानकारी आपको बता रहे हैं, बेअदबी मामले को लेकर सिख समुदाय में काफी रोष है। पंजाब के मोरिंडा में निहंग सिखों ने आज सड़कों पर जाम लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरुद्वारा कमेटी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई है, साथ ही आज निहंग संगठनों से मिलने विधायक डॉक्टर चरणजीत सिंह पहुंचे हैं, वहीं उन्होंने संगठनों को